रहस्यमयी दारुमा गुड़िया और सहपाठी लुका छिपी खेलते हैं। हारने वाले को बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया जाता है। क्या आप इस तरह का खेल खेलने की हिम्मत करेंगे? नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम आपको ब्रह्मांड की खोज के लिए एक विज्ञान फिक्शन युद्धपोत पर ले जा रहे हैं। आज सारे आपको एक अद्वितीय रहस्यमय थ्रिलर पेश करेंगे। तो पहले मुख्य पात्र शाओ शून एक निराशावादी युवक है जो जीवन में रुचि नहीं रखता। वह अक्सर देवताओं से इस उबाऊ जीवन को समाप्त करने की प्रार्थना करता है। उस दिन एक समूह कक्षा में पढ़ाई कर रहा था जब अचानक एक डारियुमा आया और छात्रों के साथ 123 लकड़ी के आदमी का खेल खेलने लगा। किसी भी छात्र को हिलते हुए देखा गया तो उसे बर्फ की गेंद में बदल दिया गया। जल्द ही सभी ने पाया कि गुड़िया के सिर के पीछे एक बटन था, यही जीतने का बटन था। आतंक के बीच केवल श्याओ शून और जुआन माओजी और बचे। अंत में श्याओ शून ने करली के मानव सीढ़ी के माध्यम से अंततः बटन दबाया जो नहीं गिरता है, लेकिन करली भी हेडशॉट हो गया क्योंकि इस खेल में केवल बटन दबाने वाला ही जीवित रहेगा। क्रिकेट लगातार बिल्लियों के आने की बात कर रहा था। फिर पास की कक्षा की अहुआ आ गई। जाहिर है सबने वही खेल खेला था। शाओ शेंग और अहुआ बाहर जाना चाहते थे लेकिन पाया कि सभी निकास बंद हो गए थे। जल्द ही जमीन से एक विशाल मनी कैट निकली। मनी कैट ने आते ही चूहे के कपड़े पहने लोगों को खाना शुरू कर दिया। हर कोई इधर उधर भागने लगा। तभी शो ने जमीन पर पड़ी घंटी देखी। अगर घंटी को भाग्यशाली बिल्ली के कॉलर में फेंक दिया जाए तो खेल जीत लिया जाएगा। स्कूल के बास्केटबॉल प्रिंस ने इस कार्य को संभाला। घंटी को कुत्ते के कॉलर में डालना चाहता था लेकिन उसे बिल्ली के पंजे से पकड़ लिया गया। बास्केटबॉल के छोटे राजकुमार को एक बॉल से दीवार पर पटक दिया गया और फिर अहुआ भी खतरे में पड़ गई। अहुआ को बचाने के लिए अश्विन ने चूहे की पोशाक पहनी लेकिन गलती से उसने पाया कि वह बिल्लियों की बातें सुन सकता है। बिल्ली को खुजली हो रही थी इसलिए एक समूह पागल हो गया। जल्द ही बिल्ली को सुला दिया। अब आसानी से बास्केटबॉल खेल सकते थे लेकिन फिर बहस शुरू हो गई कि बास्केटबॉल कौन खेलेगा। ये संभवतः रहस्यमय खेल जैसा ही है, केवल गेंद फेंकने वाले ही अगले स्तर तक पहुंच सकते हैं। सभी की बहस की आवाज ने मनी कैट को जगा दिया। मनी कैट ने कुछ और पंजे मारकर कुछ लोगों को फिर से भगा दिया। आखिरकार शो और इचिका ने कदम बढ़ाया। उन्होंने एक चाल का उपयोग करके विशाल बिल्ली को सफलतापूर्वक धोखा दिया लेकिन स्पिरिट लैंप दरवाजे से बाहर गिर गई। तीन लोगों ने सफलतापूर्वक पार किया। फिर हमने पाया कि यह खेल दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहा है। लाखों छात्र खेल में हैं। शेष विजेताओं को एक रहस्यमय घन में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा ईश्वर के बच्चे कहा जाता है। शाओ चेंग ने जागने के बाद पाया कि वह एक अजनबी कमरे में था। उसके पुराने सहपाठी शाओ मेई भी वहां आ गए थे। जल्द ही अगला खेल ड्रैगन इन द बर्ड शुरू हो गया। खिलाड़ी को अपनी आंखें बंद करके यह अनुमान लगाना होगा कि उसकी पीठ के पीछे कौन सा पेन होल्डर है। असफल खिलाड़ी को पहले पत्थर बना दिया जाता है और फिर तोड़ दिया जाता है। इसके बाद लड़की छात्रा भी गलत अनुमान लगाती है और पेन होल्डर द्वारा उसे टुकड़ों में काट दिया जाता है। छोटे शून्य फर्जी रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसे पार कर लिया। लोगों ने अंत में आवाज से पेन होल्डर को पाया। गेम जीतने के बाद पेंसिल होल्डर एक चाबी में बदल गया और अंत में कुल 7 लोग खेल को पार कर गए। हर कोई चाबी लेकर अगले गेम के गेट पर पहुंचा जहां एक पागल सफेद भालू था। सफेद भालू सबको आसान सवाल पूछेगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो भालू उसे मीट बॉल बना देगा। लोंगताओ और शाओमी पहले ही मीट बॉल में बदल चुके थे। तभी शाओ शेंग को आखिरकार कुछ गड़बड़ लगने लगी। सफेद भालू खून की रोशनी से असली रूप दिखाता है। असल में यह एक क्रूर काला भालू था। असली झूठ बोलने वाला वास्तव में काला भालू था। अंत में केवल शाओ शून, अहुआ, स्कूल बुली और 2 अन्य छात्र अंतिम स्तर पर पहुंचे। दरवाजे से 3 रशियन नेस्टिंग डॉल निकली और उन्होंने 5 लोगों को लॉटरी निकालकर भूत पकड़ने का खेल खेलने के लिए कहा। छोटा बादशाह ने भूत का टिकट निकाला। उसे केवल अन्य लोगों के चेहरे देखकर और उनके नाम पुकार कर आप उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी को स्कूल कानून से छुपने की जरूरत है। गुंडे को 3 से अधिक लोगों को पकड़ना होगा या फिर मैदान में रखे डिब्बे को लात मारने से जीत सकते हैं। इस जार के नीचे एक बम दबा हुआ है। ये छोटा जादूगर वास्तव में बहुत होशियार है। खेल की शुरुआत में ही उसने 2 पात्रों और अहुआ को पकड़ लिया। अब केवल शूशुन ही छुपा हुआ है। अंत में अहुआ की बातों ने शाओ शून को हिम्मत दी और वह लोहे के कवच में बाहर आ गया। इस तरह छोटा बच्चा इसे नहीं देख पाएगा। हालांकि कवच बहुत भारी था और चिन को इसे हटाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। देखते ही देखते चारों पकड़े जाने वाले थे लेकिन शिशु ने लोहे की जंजीर को पकड़ लिया और सीधे समुद्र में कूद गया। जब उसने भारी कवच को ऊपर उठाया तो पाया कि शाओ शून पहले ही दूसरी तरफ से ऊपर आ गया था। शाओ शून ने ऊपर जाकर कैन को लात मारी लेकिन पाया कि वहां कोई बम नहीं था। तभी रूसी खिलौने बाहर कूदे और कहा कि ये खेल सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए था और फिर उन्होंने ब्यूटी को एक आइसक्रीम दी। जब लोग घर जाने की सोच रहे थे तो उन्हें आइसक्रीम मिली। वह वास्तव में जीवन और मृत्यु का टिकट है। असल में इस राउंड का असली खेल किस्मत पर निर्भर था। केवल वे लोग जो स्वर्ग की ओर बढ़ सकते थे जीवित रह सकते थे। दोनों एक्स्ट्रा और अहुआ को मातृका ने धूल में बदल दिया। केवल शिशुन और शियाबा बच गए। अंत में पूरा खेल यहाँ समाप्त हो गया।
यहाँ तक पहुँचने वाले दोस्तों, क्या अभी आपको रोजमर्रा की जिंदगी उबाऊ लगेगी? अभी आपको कुछ मजा नहीं आएगा? अभी आप खुद को ढूंढने की कोशिश करेंगे? जाओ और स्टार को लाइक, फॉलो और कमेंट करो ताकि स्टार तुम्हारे साथ रूस खेलने जा सके।